हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एटर्नल गर्ल। मैं हूँ प्रीति और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो। सो गाइस, आज की वीडियो है, आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक ऑनेस्ट रिव्यू। और मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी, काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, पर मेरे को था कि मैं इसको कुछ और टाइम डिले करूँ जिससे मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ मामाअर्थ के अनियन हेयर ऑयल की, जो मुझे इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग थी। और गाइस, मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था। आप चाहे तो इसे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या फिर मामाअर्थ की साइट से भी परचेज कर सकते हैं। और ये नाइका और पर्पल पे भी अवेलेबल है। और अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की इनर। सो गाइस, इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरह की होती है और इस तरह की इसमें ये बॉटल होती है। आप देख सकते हैं मेरी बॉटल ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है और मुझे इसे यूज करते हुए 2 मंथ्स हो गए हैं। गाइस, 2 मंथ से मैं इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ, परमानेंट रेगुलरली मैं इस ऑयल को हूँ 2 मंथ से। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 150 ml की बोतल आती है गाइस। और प्राइस की बात करें तो 499 rupees की ये बोतल है। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं। सो ये है अनियन हेयर ऑयल विद अनियन ऑयल एंड रेंडिसिल। और ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ये मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन फ्री है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये सूट्स ऑल हेयर टाइप्स। और ये सभी तरह के, आपके किसी भी तरह के बालों का टेक्सचर हो, ये सभी पे सूट करता है। सो गाइस, अब मैं बात कर ले इसकी कंसिस्टेंसी की। सो गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, बहुत ही एकदम ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है ये ऑयल। और इसकी फ्रेग्रेंस की अगर बात करें तो फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ही लाइट है। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में, और चाहे तो फिर मॉर्निंग में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके के इंग्रेडिएंट्स की। सो गाइज, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सनफ्लावर ऑयल, जोजुबा ऑयल, आमंड ऑयल, आमला ऑयल, भृंगराज ऑयल, हिबिकस ऑयल, अनियन ऑयल सीड एंड ऑनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, सेसमे ऑयल, विटामिन ई, ब्राह्मी ऑयल, लाइम एसेंशियल ऑयल एंड जिंजर एसेंशियल ऑयल एंड ट्रेनिसिल। सो गाइज, आप अनियन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अनियन हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही बालों के जो हेयर फॉल है उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। मामाअर्थ जो ब्रांड है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज एंड ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। सो गाइस, आपको किसी भी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो किसी भी तरह से, मतलब हार्मफुल ना हो, उसमें कोई भी ऐसा केमिकल ना हो जो आपके बालों को हार्म पहुँचाए। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये इस बात पे बिल्कुल खरा उतरता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन योर स्कैल्प, मसाज विथ फिंगर टिप्स to help the oil penetrate on your scalp। तो guys, आप इसे कैसे apply कर सकते हैं? आप इसकी massage कर सकते हैं overnight, और आपको हल्के हल्के हाथों से अपनी finger tip की help से इसकी massage करनी है अपने बालों में, अपनी scalp पे अच्छे से। और आप चाहे तो इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई problem है और आप पूरी रात नहा रख के, तो आप इसको हेयर वॉश करने से 1 घंटा पहले भी अपने बालों में रख सकते हैं, अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेस्ट। सो गाइस, इस पे इन्होंने मेंशन किया है कि प्रोडक्ट कंटेन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड मे चेंज कलर एंड फ्रेग्रेंस विदाउट लूजिंग इफेक्टिवनेस। इवन नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन कॉज द ट्रिगर एग्जिस्टेंस एलर्जीज, पैच टेस्ट रिकमेंड। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है या किसी भी तरह की अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है, तो गाइस आप प्लीज़ किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं किस किस के लिए सूटेबल है।
तो ये मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस सभी, चाहे तो मैन हो या फिर वुमेन, कोई भी एज ग्रुप के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये डैमेज कलर एंड केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए भी ये ऑयल सूटेबल है एंड सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ये किसी भी तरह के हेयर, चाहे आपकी ऑयली स्किन ऑयल, चाहे आपकी ऑयली स्कैल्प है या फिर आपकी ड्राई स्कैल्प है, आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। मेरे बालों में इस ऑयल ने, ऑयल का क्या इफेक्ट रहा है? सो गाइस, मेरे बालों में इस ऑयल से बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहा है। मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड है, यानी मैंने हेयर, गाइस मैंने 4 मंथ्स पहले ही केरा स्मूदनिंग कराई थी मेरे भाई की शादी के टाइम पे। उसके बाद से मेरे बाल बहुत ज़्यादा, बहुत पतले हो गए थे, बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे, ड्राई हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि मैं इतना कंफ्यूज थी कि मैं कौन से ऑयल को मंगाऊँ, कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, ये वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, और काफ़ी कॉस्टली भी है। ऐसा भी नहीं कि ये ऑयल सस्ता है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। गाइस, फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि चलो मैं ये मामाअर्थ के अनियन हेयर ऑयल को मंगाती हूँ और देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट रहेगा। गाइस, आज मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और मेरा इस ऑयल को लेके मैं बिल्कुल ये आप लोगों से कहूँगी, मैं इस ऑयल को बिल्कुल आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी। आप भी इस ऑयल को मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑयल है और ये 100% वर्क करता है। सो गाइस, मेरी तरफ से तो इस ऑयल के लिए थम्स अप है। आप भी इस ऑयल को मंगा सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप भी इस ऑयल को मंगा सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।